थोड़े से सुख की खातिर बहुत बड़ा दुख भूल लिया, सुंदर बाला के चक्कर में दिल धन चक्कर बन डोल गया। एंटिक हार के कारण मैं चोर बना पकड़ा भी गया, अब तौबा इन जंजालों से, ये है मेरा सबसे प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। राहुल यार, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? हाँ तुम ना बस पेपर के पीछे मुंह छुपा के ना बैठ जाते हो, सुबह देखो तो सुबह बैठे जाते हो, शाम को देखो तो शाम को बैठे जाते हो। अब भी अपने ऑफिस आए हो राहुल, और फिर से पेपर, मेरी बातों को सुन रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर पे रहना बहुत भारी पड़ रहा है तुम पे? ये तो जीवन की रीत है डियर, शादी के बाद नारी भारी और पुरुष आभारी हो जाता है। आभारी? आभारी माय फुट। देखो राहुल, मैं ना आजकल अक्सर ये बात नोटिस करती हूँ, तुम मुझे खींचे खींचे से रहते हो, मुझे अवॉइड करते हो, और तुम मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश करते हो राहुल। हाँ, बनाने की जरूरत है क्या? What? इसका मतलब है बुद्धू? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? तुम आजकल बातों बातों में बहुत सी बातें बोल जाते हो राहुल, लेकिन तुम्हारी इन बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। अरे देखो मेरी मेरी, तुम भी ना हर बात में शक करने लगती हो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यार मैं नहीं मानती। ओहो मेरी, चाहो तो किसी की भी कसम दे दूँ। अच्छा ठीक है, अभी किसी की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा राहुल सुनो ना, एक बात मेरे काम करोगे प्लीज? बोलो ना। नीचे जाओ और अपने जो मकान वाले के मुझसे दारू वाला, उनसे पूछ के आओ कि उन्होंने पंप चालू किया या नहीं, यार सुबह से घर में एकदम पानी नहीं है राहुल। मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाओगे तुम? अरे यार वो बुड्ढा बहुत चाटता है यार, वो कभी कहता है तमेरे को वो करना मांगता है, तमेरे को वो करना मांगता है, मैं नहीं जाता। ओहो अब जाओ भी स्वीटहार्ट। गुड इवनिंग राहुल दिख रहा है। गुड इवनिंग मेरी। गुड इवनिंग, हाउ स्वीट। देखो मिस्टर डालूवाला, हाउ स्वीट, ये दोनों कैसे पास पास खड़ा होकर रोमांस करता होता। ओह राहुल डियर, यू पीपल आर सो रोमांटिक। तो जिसका बीवी खूबसूरत होता ना, उसका आदमी अपने आप रोमांटिक हो जाता। पर तुम ये बात नहीं समझे। यस यू आर राइट, आई एम ऑलवेज राइट ना। व्हाट, इसका मतलब हम खूबसूरत नहीं है? ये बात टूटी है, तुम ज्यादा खूबसूरत हो ना। थैंक यू। अरे मिस्टर दारूवाला, मिसेस दारूवाला दोनों एक साथ कैसे? ओ वो बात ये कि हम तुमको तकलीफ देने को आया। वो क्या, हम दोनों ना पकड़ो पकड़ो खेलने जाता। पकड़ो पकड़ो? और तुमको नहीं पता? नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी के आइस पे ना पट्टी बांध के उसको लेडीज के बीच में छोड़ दिया जाता है, और उसको अपना बाइक को पकड़ना होता है। वो जितना बार गलती करता ना, उतना बार उसको कुत्ता का बोली बोलना पड़ता है। ये क्या होता जी? हुआ ये मिस्टर दलवाला, हमारे पड़ोसी का कुत्ता है ना, वो आपसे इंस्पायर हो गया। तो ये हमारे का ऐसा क्यों होता है? हमेशा पड़ोसी का कुत्ता हमसे इंस्पायर होता है, पड़ोसी का बीबी इंस्पायर नहीं होता हमसे। असल में राहुल जी का बात ये है कि हम दोनों एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए सिटी जाता होता, और हमारे सिस्टर फरहीन आया है, तो आजकल न्यूज़पेपर में देखते हैं ना इतने सारे केसेस होता है, चोरी डकैती है ना, तो हम ये चाहता है कि आप हमारी बहन का पूरा पूरा ध्यान रखो। रखिएगा ना मैम जी। देखो हम बकरी के माफे मैं नहीं मानता, तुम देखो तुरंत हमारा घर जाओ और हमारे शादी का सारा जिम्मेदारी ले लो जी। नहीं मेरा मतलब है कि तुम उसका ध्यान रखना। देखो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाता मेरी, अब उसको बोलेगा वो तुम्हारा एक पेंटिंग बनाएगा। क्या हो गया राहुल जी, ये हाय हाय क्यों कर रहे हैं आप? यार अभी अभी ऑफिस से लौटा हूँ, अब फिर दूसरी ड्यूटी, अब मुझे नहीं जाना उसे घर। राहुल ऐसा मत बोल प्लीज, इतने अच्छे लोग हैं, बेचारे बुरा मान जाएंगे, अब जाओ भी। अरे यार राहुल जाओ भी प्लीज।
attractive beauty. Hello. Hello. Who are you? जी, मैं राहुल. राहुल, ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ. By the way, क्या चाहिए आपको? जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो दरअसल मिस्टर दारू वाला है ना, वो पकड़ो पकड़ो खेलने गया. I know. तो क्या? उन्होंने मुझसे कहा कि मिस फरेन यानी आप घर में अकेली होंगी, और वैसे यहाँ चोर लुटेरे तो बहुत घूमते रहते हैं ना. तो क्या मैं आपका ख्याल रखूं? और क्या? हाँ हाँ, ये मैं जानता हूँ कि आप सोच रही होंगी कि बेचारे राहुल खामोखां परेशान हो रहे होंगे, काश उन्हें मदद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती. पर आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. शुक्रिया. क्योंकि मैं सोशल किस्म का आदमी हूँ और लोगों की मदद करना मेरी हॉबी है. जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही. अब आप यहाँ से जा सकते हैं. वैसे चोर चक्कू से मुझे डर नहीं लगता. चोर चक्कू से डर नहीं लगता? अरे यार, ये तो भाषा ही उल्टा पड़ गया. कहाँ चला था खूबसूरत लड़की पर इम्प्रेशन जमाने, तो यहाँ तो इम्प्रेशन ही बिगड़ गया. लेकिन मिस फरीन, यहाँ पर चोर चक्के ही नहीं डाकू हत्यारे भी रहते हैं, जो दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर करने में भी नहीं हिचकते. क्या मर्डर यहाँ हत्यारे घूमते हैं? जी हाँ, यहाँ पर हत्यारे भी घूमते हैं, और यहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं. यहाँ पर कोई भी खूबसूरत लड़की अकेली नहीं रह सकती. आप चाहें तो रह सकती हैं. अरे नो नो मिस्टर राहुल, अरे आप तो बुरा मान गए. मैं तो यूं ही. अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना. जी मैं खड़ा क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा क्यों. फिर मुझे ध्यान आया कि आपने मुझसे बैठने के लिए कहा ही नहीं है. देखिए मिस फरीन, मैं बहुत टची किस्म का आदमी हूँ, वेरी सेंटिमेंटल. ओह आई एम सॉरी राहुल जी, बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा. अरे आप बैठिए तो. आप इतना जोर दे रही हैं तो बैठ ही जाता हूँ. अच्छा ये बताइए, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जी कुछ भी नहीं, आप तो बस यूं ही बैठ जाइए मेरे सामने. जी जी जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि चाय कॉफी में क्या रखा है, प्यार की भावना तो इंसान के मन में होनी चाहिए. आप तो बहुत मजेदार है. जी मेरे हाथ में कोई मेहंदी थोड़ी ना लगी है जो मैं एक कप चाय कॉफी भी ना बना पाऊँ. वाह, आपकी फेस लाइन तो बड़ी जबरदस्त है. आपको हाथ देखना आता है? प्लीज बताइए ना मेरे हाथ में क्या लिखा है. जी इतना कुछ खास तो नहीं, फिर भी देख लेता हूँ. आप काफी आजाद किस्म की हैं. जी और हाँ, वो आप फाइन आर्ट में भी रुचि रखती हैं, जैसे कि पेंटिंग. जी पेंटिंग इज माय हॉबी. पता है राहुल जी, बॉम्बे में मेरी आर्ट गैलरी में बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई है. जी जी जी. और बताइए ना. और हाँ, आपको गहने पहनना बहुत पसंद है. एब्सोल्युटली राइट. वाह आप तो कमाल का हाथ देखते हैं. मुझे गहने बहुत पसंद है. और मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए ना. जी आपका फ्यूचर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है. बहुत जल्दी आपके जीवन में जीवन साथी आने वाला है. सच? कैसा होगा वो? जी बहुत ही प्यारा, अच्छा, ईमानदार. वो आपको सब कुछ देगा जो आप जीवन में चाहती हैं. आपको गहने पसंद है ना? जी. वो आपको गहनों से लाद देगा. ओह रियली? फिर तो अपनी शादी के बाद मैं एंटीक ज्वेलरी का सेट बनवाऊंगी. जी यू नो राहुल जी, मुझे एंटीक ज्वेलरी बहुत पसंद है. आप तो ये देखिए ना, ये जो आपकी जीवन रेखा है ना, काफी लंबी है. बाहर कोई है? किसी की आहट आई? ओफो मिस परीन, आप भी किन बातों में लग जाती हैं? आप तो इधर देखिए, ये देखिए, ये जो शुक्र पर्वत है ना, ये पता है क्या देता है? क्या? प्यार, लव, रोमांस, यानी मोहब्बत. और ये बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाली है.
आने वाली है? हाँ, बल्कि आ चुकी है। आ चुकी है? हाँ, आ गए मैम साहब। अरे बहादुर तुम? अरे ये कहाँ से आ गया? इसने कहीं देख लिया तो मेरी को उल्टा सुधा पड़ देगा। अरे बहादुर तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जी साहब वो मिस्टर दारूवाला अभी अभी घर से मार गया, तो हम सोचा कि मेम साहब अकेला होगा इसलिए आ गए साहब जी। तो देख लिया ना मेम साहब अकेला नहीं है, अब तुम जा। जी साहब जाता है। पर साहब शामा जी बोल रहे थे कि वो मेम साहब अगर अकेला होगा तो वो अपनी वाइफ को भेज देगा, मगर साहब अभी हम बोल देगा कि कोई जरूरत नहीं है, राहुल साहब ऑलरेडी में वहां पर है। चुप, सुन, तुम जाके बोल देना कि मेम साहब को डर नहीं लगता है, ठीक है ना? मेम साहब अकेला नहीं है और मेम साहब सो रहा है। जी साहब अभी हम जाकर तो बोल देगा कि कोई जरूरत नहीं है, राहुल साहब मेम साहब के साथ में है और मेम साहब सोने जा रहा है। चुप चुप, तुमसे जितना कह रहा उतना कर, है ना? तू ये कह देना मेम साहब को डर नहीं लगता है, ठीक है ना? जी जी जा। जी जी साहब हम बोल देगा कि राहुल साहब के रहते हुए मेम साहब को डर नहीं लगता है। फिर तो मैं छुट्टी कर दूंगा एक दिन। अरे चौकीदार कह देना मेम साहब घर में अकेली है और ताला बंद करके सो गई है, ठीक है? ओके मेम साहब। सलाम मेम साहब। सलाम साहब। सज्जा दरवाजा लगा दे। जी ओ राहुल जी आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मुझे भी। इतने अच्छे पड़ोसी होते हुए मुझे आप किसी बात का डर ही नहीं। वैसे दीदी और जीजा जी दो तीन दिन और भी रात को बाहर जाएंगे, पर आप अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे तो फिक्र होगी ना, इतने बड़े घर में आप अकेली। क्या करूं मजबूरी है। तो फिर अगर आप कहें तो मैं यही रात को रुक जाता हूँ, यही सो जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है, अब आप जा सकते हैं। जी मैं चलता हूँ। बाय बाय। अगर आपको कोई किसी चीज की जरूरत हो ना तो आप। हाँ तो मैं बुला लूंगी आपको। ठीक है मैं जाऊँ। गुड नाइट। ठीक है। जो भी खाया होगा ना सब उल्टी कर देंगे। तब तक तुम एक काम करो, सांप के साथ बैठ के प्यारी प्यारी बातें करो। मैं अभी आती हूँ। कम्मो तो जल्दी आना। राहुल डार्लिंग, राहुल क्या हो गया तुम्हें स्वीटहार्ट? कुछ नहीं डियर, अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राहुल राहुल देखो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। राहुल राहुल देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। राहुल देखो ना यहाँ तुम हो मैं हूँ और कितनी तन्हाई है। राहुल देखो रेडियो पे भी कितना रोमांटिक गाना बज रहा है। राहुल नहीं, अब तो मुझे सिर्फ पुराने गाने पसंद है। तू कहाँ ये बता, किस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। राहुल 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 ये तुम्हें क्या हो गया?
अच्छा राहुल, राहुल देखो आज सुबह मैं एग्जीबिशन में गई थी, वहां से इतना ब्यूटीफुल नेकलेस लेके आई हूँ। राहुल देखो, देखो ना कितना सुंदर है। पता है दुकानदार बोल रहा था एकदम एंटीक पीस है। एंटीक? ये तो फरीन को ही पसंद है। किसे पसंद है? कुछ नहीं डार्लिंग, ये मुझे पसंद है। मुझे दिखाओ ना। ये लो। लेकिन डियर अगर इसमें मोती जड़े होते ना तो ये और भी अच्छा लगता, तो मैं सभी ठीक करवा के लाता हूँ। रियली राहुल? राहुल मुझे लग रहा है तुम ठीक हो रहे हो। राहुल मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट चलूंगी। अरे नहीं डियर, तुम जाके क्या करोगी? क्यों? देखो यहाँ चोरों चक्के भी तो आते रहते हैं ना। हाँ। तो बस मैं गया और आया, तुम घर पर रहो। जल्दी आना राहुल। जल्दी आऊंगा डियर। बाय। परीन कमो, ये लो मेम साहब इमली का रस। ओ मेम साहब, अभी अभी एक आदमी को आपको घर के पीछे वाला पाइप से हम चलते हुए देखा है। क्या क्या बहादुर, अभी तो राहुल भी घर पे नहीं है। मेम साहब आपको क्या करना है, जो कुछ करेगा वो करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो यहाँ आ गया तो क्या करें? डर तो मुझे भी लग रहा है मेम साहब। अब बहादुर तो एक काम करना, थोड़ी देर यहीं रुक जाना। नहीं नहीं मेम साहब, हम नहीं रुक सकता है। कमो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कमो, क्या होगा? डर तो मुझे भी लग रहा है मेम साहब। सुना है आराधना नगर में एक लेडी घर में अकेली थी। हाँ? चोर आए, हाँ? सब लूट कर ले गए। हाँ? और जाते जाते, हाँ? इतने बड़े चाकू से गला काट गए। चुप कर, तू तो बता रही है, डरा रही है। बड़बड़ बनकर और बता कि अब आगे क्या करना है। मेम साहब पुलिस को फोन कर दो। हाँ कमो राइट, ऐसे ही करते हैं। अच्छा कमो तू एक काम कर, डंडा लेके दरवाजे के पीछे खड़ी हो जा, और जैसे ही कोई चोर घुसे ना एक जोर से डंडा मारना। हाँ ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं गीतांजलि कॉम्प्लेक्स से मिसेस मेरी राहुल बोल रही हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ कोई चोर घुसाया है, आप लोग यहाँ जल्दी से आ जाइए। हाय। हेलो राहुल जी। अरे आप इस वक्त? जी मार्केट गया था, फिर लौटते हुए मुझे याद आया कि आप घर में अकेली होंगी, सोचा आपके हालचाल जानते चलूं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? जी बढ़िया। जी मार्केट गया था तो मुझे एक हार पसंद आया, फिर मुझे याद आया कि आपको एंटीक चीजें बहुत पसंद है ना। जी हाँ। तो इसलिए आपके लिए लेकर आया। वाओ लवली, ये तो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अब ये तो पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है कि कुछ गिफ्ट दूं। वैसे मैं बहुत बोर हो रही थी तो चौकीदार को मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा को बुलाने भेजा है। अभी वो लोग आते ही होंगे। मिसेस और शर्मा और वर्मा तो मेरी की दोस्त है, मर गया। अरे आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना। जी मुझे दरअसल कुछ काम याद आ गया। हाँ मेरे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। पानी तो पीते जाइए। नहीं जी बाद में आता हूँ। डंडा तो नहीं मिला, झाड़ू मिली। अरे चलेगा चलेगा, बस तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ वहाँ पे। तुम ओह माय गॉड राहुल, तुम ये क्या तमाशा है मेरी? राहुल साहब आप, और तुमने मुझे झाड़ू क्यों मारी? राहुल राहुल डार्लिंग सुनो, आई एम सो सॉरी,
एक्चुअली मैंने उसे बोला था वहाँ खड़ा होने को। तुमने? हाँ राहुल मैंने, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद बहुत दूर आया था, वो बोल रहा था कोई चोर हमारी पाइपलाइन चढ़ रहा था, उसके बताते ही हम लोग सावधान हो गए। और पता है मैंने तो पुलिस को ही फोन कर दिया है, वो भी है जल्दी आती होगी। बैठो राहुल, तुम्हें चोर तो नहीं आए? फोन आप क्या से है? जी इंस्पेक्टर साहब मैंने ही आपको फोन किया था, मैं मिसेज मेरी राहुल। इंस्पेक्टर साहब हमारे चौकीदार ने हमारी पाइपलाइन से किसी को चढ़ते हुए देखा था। आपने भी देखा था? जी हमने तो नहीं देखा था। अच्छा तो ठीक है, आप लोग इसी कमरे में रहिए। हाँ जी। और किसी को आते हुए देखें जी तो तुरंत हमें फोन कीजिए। जी हम लोग बाहर कष्ट कर रहे हैं। जी थैंक यू। अच्छा फिर ध्यान रखिएगा। जी अगर चोर दारू वाला के घर से निकला तो पुलिस तो वहां जाएगी, और शोरगुल होते ही कम और मेरी भी वहां चले जाएंगे। उनके पहुंचते ही मेरी फरीन के गले में अपना हार देखेगी, और ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? हाँ, इनके उठने से पहले मैं वो हार वापस लेके आता हूं। दूसरा है, अब कहां देखूं? ये रहा, मिल गया। सुंदर बाला के चक्कर में दिल घन चक्कर बन डोल गया। एंटिक हार के कारण मैं चोर बना पकड़ा बिगड़ा, अब तौबा इन जंजालों से, ये है मेरा सबसे प्रॉमिस।